तो अगर आपका भी सपना है यूपी पुलिस क्रैक करने का, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए खास हो सकता है। इस वीडियो सीरीज में हम मॉक का डिस्कशन करने वाले हैं और हर एक वीडियो में एक एक मॉक का डिस्कशन होगा। ये जो मॉक है ये केवल नॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा, इसमें हम जो है कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन आया तो दिमाग में कैसे सोचना है। और अगर आप ये पूरा सीरीज फॉलो कर लेते हैं तो भैया आपका मैथ तो अच्छा हो ही जाएगा और आप जो है अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे मैथ में। मैथ में स्कोर की तो नंबर तो बढ़ गया ना, सिलेक्शन के पास पहुंच गए ना, तो फिर देरी किस बात की। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में है कि 20 आदमी जो है 8 घंटा अगर प्रतिदिन काम किया तो 15 दिन लेगा एक काम को करने में, उसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे काम करने पड़ेंगे 60 लोगों को। तो यहां पे एक बार क्या है, देखिए आदमी है, घंटा है और दिन है, तो हम सोचेंगे कुछ ऐसा तरीका है क्या जो आदमी घंटा दिन को सम रिलेट कर पाए। तो आएगा कि एक चीज होता है M1 D1 H1 और नीचे W1, ये है W1 का मतलब वर्क। फिर होता है M2 D2 H2 by W2, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप याद कर लीजिएगा। तो एक बात बताइए, पहले में कितना इंसान है, बोलेंगे कि 20 मैन। कितने दिन काम कर रहा है, बोलेंगे 15 दिन। प्रत्येक दिन कितना काम कर रहा है, 8 घंटे। काम पूरा कंप्लीट हुआ क्या, बोलेंगे कि हाँ पूरा कंप्लीट होने का मतलब एक ही काम है जो कंप्लीट हुआ है। फिर हमें कितना चाहिए, हमें बताना है कि 60 लोग मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में काम खत्म करना है, हमें बताना है घंटे कितने लगेंगे, काम तो एक ही है। देख लीजिए 20 30 60 3 5 15 4 2 8, घंटा कितना हो गया 10। तो प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करने पड़ेंगे और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो इस क्वेश्चन में आप सीख लिए ना कि अगर मान लीजिए आदमी दिन घंटा और काम को रिलेट करने वाला कोई क्वेश्चन है तो आराम से ये वाला जो फॉर्मूला है ये लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि कम दिन बचा है, आराम से कीजिए, होगा। आराम से करने का मतलब है कि डेली मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में है कि एक परीक्षा है 180 नंबर का, जिसमें 75% मार्क जो है, नंबर जो है वो थियरी में मिलेगा और बाकी जो है कितने में मिलेगा प्रोजेक्ट में। बीना नाम की एक लड़की है, उन्होंने 60% जो है थियोरी में मतलब गेन किया है, मिला है उनको, अब वो चाहती हैं कि उन्हें 62% नंबर मिल जाए, तो हमें बताना है कि प्रोजेक्ट में कितना चाहिए होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, पहले देखिए एक है थियरी एक है प्रैक्टिकल, थियरी प्रैक्टिकल हो गया। थियरी में जो है 75% नंबर थियरी में है, बाकी का जो है 25% ये कहाँ पे है, प्रैक्टिकल में। ये जो है ये है आपका नंबर का बात, इतना नंबर अलॉट हुआ है, ठीक है। जो बीना जी हैं, बीना बी वाला या वी वाला, चलिए बी वाला ही ले लेते हैं, इनको थियोरी में मिल गया 60%। और घर पे मम्मी बोली है कि बेटी अगर 62% लेकर नहीं आई तो हम तुम्हारा शादी करा देंगे, तो हमें बताना है कि प्रैक्टिकल में इनको कितना लाना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं, मान लेते हैं प्रैक्टिकल में इनको 1% मिला, तो जो नंबर है ना मतलब संख्या, जब भी आप एवरेज या औसत निकालने जाए तो संख्या का अनुपात लिख सकते हैं। 75 और 25 है तो यहाँ पे 25 दिया 75 और एक बार में, यह 3:1 आ जाएगा। बाकी चीजें पूरा का पूरा ये औसत है, एवरेज है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 3 को 60 से गुना करेंगे कितना आएगा 180, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा। नीचे क्या होता है, नंबर लिखते हैं ना, 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया 4, और इसका वैल्यू कितना है 62, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 248 में से 180 जाएगा तो कितना आ गया 64 या 68, 68 आ गया। तो 68% नंबर लाना होगा इनको, इसमें प्रैक्टिकल में 68 है तो फिर से ऑप्शन नंबर D हो गया, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को करना है, रटना नहीं है समझना है। अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की और देखेंगे 3 में अपने लिए क्या है। अच्छा एक और बात कि मैथ को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी आप अच्छे से कर ही रहे होंगे, मैथ के लिए तो टेंशन नहीं है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपका मैथ में काफी सुधार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन में आपको लॉजिक भी बताते हुए चलेंगे, केवल हमें हवा में सॉल्व नहीं करेंगे ताकि आपको भी सॉल्व करने आए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है,
इसमें बोला है कि 10% की दर से 2 पूर्णांक 1/3 साल के लिए ये जो है कुछ पैसे दिए गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे, और जो ब्याज आया है इसके अंत में ये है आपका 1201.6 रुपये, ये आपका ब्याज है। तो हमें बताना है कि मूलधन कितना होगा। यहाँ पे आप देखिए 10% है, तो जब भी 1 साल होगा 10% होगा, लेकिन यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/3 साल, मतलब इसको 1 साल 1 साल 1/3 साल लिख सकते हैं, तो ये चलेगा। 1 साल के लिए जो 10% रेट है ये भी 10% होगा, लेकिन 1/3 साल के लिए 10% रेट नहीं होगा ना, क्योंकि पूरे साल में 10% है। 1/3 में कितना हो जाएगा, ये 10/3%। अभी यहाँ पे आपको एक चीज सीखना है कि हम सीधे का सीधे आपका चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें इतना पता चल जाए कि इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है तो हम कर पाएंगे। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए मान लीजिए एक साइकिल में एक्स है, दूसरे में वाई है, तीसरे में जेड है, तो ए निकालने का होता है एक्स जोड़ वाई जोड़ जेड, और इसके साथ आएगा एक्स वाई जोड़ वाई जेड जोड़ जेड एक्स बटा 100, फिर एक आता है आपका एक्स वाई जेड बटा 1/400, कितना हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 10 10 और 10/3 20, ये आ जाएगा ना, देखिए 10 10 20 20 जोड़ 10/3 आ जाएगा 70/3 जोड़, ये आ गया है 100 जोड़ 100/3 जोड़ 100/3 बटा 100, और ये आ जाएगा आपका 1000/3 × 1/4, 3 0 से 3 0 जाएगा, यहाँ पे ये सब कट रहा है तो आएगा 70/3, और इधर आ जाएगा आपका 5/3 जोड़ 1/30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 70 5 75 75/3 आ जाएगा 25, तो 25 जोड़ 1/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 750, 751/30, इतने प्रतिशत हो गया आपका इफेक्टिव। मतलब कि हमें पता चल गया कि 751/30% का जो वैल्यू है यह 1201.6। 1% कितना हो जाएगा, देखिए 751 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, फिर बचेगा कितना 450, 450 ना है तो 4506 आ रहा है, 4506 इसका मतलब 6 बार में कट जाएगा, हाँ 6 बार में कट जाएगा, 16 बार में चला जा रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया है 480, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 480 आ रहा है ना। ये 1.6 बार में कटा है तो 480 का 100% का वैल्यू कितना जाएगा 48 पे 3 0, तो टोटल 48,000 की बात हो रही है, जो प्रिंसिपल है वो 48,000 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 में क्या है। इसमें आपको क्या दिया है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और हमें बताना है कि खाद्य आदि पर व्यय को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है। ठीक है, खाद्य आदि जो है 20% है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप ऐसे समझे ये हो गया वृत्त है ना, और ऐसे करके जो है आपका ए जो है आपका 20% में खाद्य आदि दिया है। आप ये समझिए कि 100% में पूरा का पूरा वृत्त आ गया है, मतलब कि 100% का जो है कोण 360 डिग्री हो गया। 20% का निकालना है तो 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री मतलब सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चौथा हो गया, पांचवा देखेंगे, ये वाला तो आसान ही था, पांचवा देखते हैं क्या है पांचवे में। तो पांचवे में दिया है, देखिए पाइप और सिस्टर्न वाला है कि पाइप ए और बी जो है एक टंकी को 1 घंटे और 2 घंटे में पूरा भर सकता है, पाइप सी जो है उसको खाली कर सकता है 1 घंटे 15 मिनट में। ए और सी मतलब एक भरने वाला एक खाली करने वाले को एक साथ क्या किया गया है, स्विच ऑन किया गया है 9 बजे। 2 घंटे बाद जो है ए को स्विच ऑफ किया गया और बी को स्विच ऑन किया गया, हमें बताना है कि जो है टैंक कब खाली हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, ये 5 है, ए हो गया बी हो गया सी हो गया। सबसे पहले क्या करना है कि लिख लेंगे ए जो है 1 घंटे में भर लेगा, बी 2 घंटे में भर लेगा, यही है ना, हाँ, और सी जो है इसको 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा, इसको हम 5/4 घंटे लिख सकते हैं, ये 5/4 घंटे में खाली कर सकता है, इसलिए हमने माइनस लिख दिया।
अभी टंकी का जो है ना क्षमता के लिए हम क्या करते हैं, इसका हम लघुत्तम लिख लेंगे। सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। ए का भी क्षमता कितना है, 10 को 1 से भाग देंगे, ए का 10 आ जाएगा। बी का क्षमता 2 घंटे में है ना, तो 5 आ जाएगा। और सी का कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 को 5 होता 4 से भाग देंगे, कोई दिक्कत। अभी देखिए 2 घंटे के लिए, क्योंकि 2 घंटे के लिए ए और सी को क्या किया गया है, स्विच ऑन किया गया है, यही बात। ठीक है, ए का 10 है, सी का -8 है, तो 10 - 8 के हिसाब से 2 घंटे काम चला है, होने की बात तो सही है, चला है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, फिर कौन बचा है, बी बचा है, बी और सी। तो बी और सी जब बचेगा तो बी तो 5 है, सी तो -8 है। अब ये मान लेते हैं एन एन घंटे तक चला, इसके बाद टंकी खाली हो जाना चाहिए, मतलब कि सब मिलकर जीरो वीरो हो जाना चाहिए, तभी तो टंकी खाली होगा। यहां से कितना आ रहा है, 4, और इधर से आ रहा है -3, एन का वैल्यू 0, एन का वैल्यू हो गया 4/3, मतलब कि बी और सी को 4/3 घंटे के लिए चलाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं अब कितना बजे टंकी खाली हो जाएगा, ये बताना है। कब चालू किए थे भैया, 9 बजे चालू किए थे, ए और सी 2 घंटे के लिए चला, तो 9 और 2 11 बज गया। 11 बजे के बाद फिर हमें चाहिए 4/3 घंटा। 4/3 घंटा का मतलब क्या हुआ, देखिए 1 घंटा और 1/3 घंटा, 1/3 घंटा का मतलब क्या हो, जैसे 1 घंटा हो गया, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो 11 बजे में 1 घंटा 20 मिनट अगर हम जोड़ेंगे तो 12:20 पे काम हो जाएगा। तो सही उत्तर आ रहा है 12:20, और है ऑप्शन नंबर बी। समझ गए कितनी आसानी से हो गया, कोई झंझट नहीं है, ऐसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक से जो है मीन प्रोपोर्शन है 12.8 का माध्यानुपाती और 64.8 का, वाई जो है तृतीयानुपाती दिया हुआ है कितना, 38.4 और 57.6 का, तो हमें 2:1 अनुपात वाई निकालना है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू जो दिया है वो बोला है मध्यानुपाती, मतलब 12.8 और दूसरा है आपका 64.8। सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 128 × 648 × 10^-2, या नीचे 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 100 का तो 10 बाहर आ जाएगा। अभी 128 को हम कैसे लिख, देखिए 128 जो है ना, इसको आप ऐसे समझिए, 128 लिख लिया और यहां से 2 लेके चला गया था, 128 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 256। सीधे हम 256 लिख लेते हैं इधर, और ये कितना बच जाएगा, 324। 256 का जो रूट निकालेंगे तो 16 आएगा, 324 का 18 आएगा, बट्टा ये आ गया है 10। ठीक है, ये हो गया है आपका एक्स का वैल्यू। वाई का वैल्यू है, वाई तृतीयानुपाती है किसका किसका, 38.4 और 57.6 का। देखिए तृतीयानुपाती कैसे निकालेंगे, 38.4/57.6 का वैल्यू होगा 57.6/y, वाई, क्योंकि वाई तृतीयानुपाती है। यहां से आएगा वाई का वैल्यू 576 × 576/384, एक 0 बच रहा है तो नीचे आ जाएगा 10, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2x अनुपात y। तो अगर हम देखें तो 24 से ये 24 बार में चला जाता है, 24 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये 24 से एक बार में 144, 16 बार में चला गया, फिर 16 × 48, 16 से करेंगे तो 16 × 48, और फिर 9 बचा ना, 16 × 96, तो वाई का वैल्यू आ गया है 24 × 36/10। चलिए एक्स और वाई दोनों आ गए, अभी क्या निकालना है आपको, 2x और y। 2x का मतलब 2 × 16 × 18/10, और वाई है आपका 24 × 36, और ऊपर आ गया 10, 10 से 10 गया, 18 × 36, 8 × 16, 8 × 3 = 24, जो ये आया है 2:3 करके आया है। देखते हैं 2:3 कौन सा आंसर है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, अब देखेंगे 7। तो यहां पे आपको यह देखना था कि तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, उसके बाद अनुपात तो निकाल ही लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? भारी होगा या आसान होगा, तो देखना तो होगा। आइए, और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि हमें 6 डिजिट का चाहिए आपका, छोटी से छोटी संख्या जो 53 से पूर्णतः विभाजित हो। 6 डिजिट है ना, छोटी से छोटी मतलब एक पे 1 2 3 4 5, 6 डिजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 7। इसको हम 53 से भाग दे देते हैं, एक बार में 53 चला जाएगा, बचेगा कितना? 47, 470 हो गया। फिर 5 8 40, पनवा 45, पनवा 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा। 5 8 करेंगे तो 8 3 24, 40 2 42, कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे 6 और 6 में से 2 गया 4, 46 आ रहा है, तो 460 बचेगा। फिर 8 बार में जाएगा, 424, इस बार कितना होगा? 36 हो जाएगा। कितना जीरो चला गया? देखिए, ए जीरो चला गया, ए जीरो चला गया, फिर ए जीरो चला गया, एक और होगा 360। 360 करेंगे तो कितना बार में? 7 बार में, तो 7 या 21 नहीं, 6 बार में जाएगा, 6 बार में 36 18, और 30 और 1 31, यहाँ से कितना आ गया आपको? 42 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ये 42 है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 42 की जगह 53 होता तो कट जाता। 42 को 53 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 11। इसीलिए जो संख्या है, एक पे 1 2 3 4 5 जोड़ 53 माइनस 42, क्यों? क्योंकि 42 है, यहाँ पे 53 होना चाहिए, तो 42 और 53 का जो माइनस होगा वही ऐड कर देंगे, तो 1 0 0 0 1 1, यही सही उत्तर होगा। और ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। 7 भी हो गया, अभी बारी है 8 की। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसे ही नहीं रहना है, आप पूछिए कि आखिर दिक्कत है तो क्या है, ठीक है? और उसको समझिए, क्योंकि जॉब लेना ज्यादा जरूरी है, समझे? ये हो गया। फिर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में एक व्यंजक है, उसका हमें वैल्यू निकालना है। देख लेते हैं 8। इसमें है आपका 3 गुना 8 भागा 9 का 6 माइनस 2 भागा 3 गुना 5 माइनस 2 गुना 2 जोड़ 18 भागा 3 का 3, यही है। तो का काम पहले हो जाता है, तो 9 6 54 हो जाएगा, 8 3 24, 24 भागा 54 यहाँ से आ रहा है, -2, यहाँ से कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, तो 3, ठीक है, पहले भागा होता है उसके बाद गुना होता है, ध्यान देना है, तो 2 बाई 3 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे? 3 गुना 2 कर लेंगे जोड़ 18, का पहले हो जाएगा बटा 9, 3 से 1 गया, 9 दूना 18, 2 बार में चला जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 से नहीं करेंगे ना, 6 से करेंगे, 6 चर के 24, 6 9 54, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए, ये तो 4 बटा 9 है, यहाँ से -4 और +2 आ गया, तो 4 बटा 9 में से 2 गया, तो 18 4 -14 बटा 9, कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। 8 हो गया, 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 9 9 9 में क्या है ये भी देखना है। 9 में दिया है कि लंबाई और चौड़ाई जो है एक आयत की 8% और 5% से बढ़ी है, तो हमें बताना है एरिया में कितनी की वृद्धि होगी। देखिए, जब भी ए बी इक्वल टू कोई सी है, ए में मान लीजिए x%, बी में y% का चेंज हुआ है, तो सी में जो चेंज होगा ना, बदलाव जो होगा, वृद्धि या कमी कुछ भी, ये होता है एक्स जोर वाई जोर एक्स वाई बटा 100। ये फॉर्मूला है, याद रखिए, काम का है। अभी जो एरिया होता है, ये क्या लंबाई और चौड़ाई होता है? बोलेंगे कि हाँ, तो लंबाई में कितना प्रतिशत दिया है? 8% की वृद्धि, और चौड़ाई में कितना दिया है? 5% की वृद्धि। तो अभी देखिए, दोनों गुना है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा, तो जो बदलाव हुआ है, चेंज हुआ है, क्या होगा? 8 जोड़ 5 जोड़ 8 5 40 बटा 100, ये आ गया 13.4%। 13.4% क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 9 हो गया, 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है। 10 में बोला है कि एक मिश्र धातु है जिसमें अल्मुनियम और टीन है,
उसका जो अनुपात है 4:5:10 में। यह है आपका अल्मुनियम और यह है आपका टीन, अनुपात दिया है 4:5। फिर क्या बोला है कि एक और है मिश्र धातु, उसमें जो है इसका अनुपात जो है 4:7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन दोनों को मिलाया गया है और एक नया बनाया गया है मिश्र धातु। हमें बताना है कि नए मिश्र धातु में इसका अनुपात क्या होगा। अरे किस अनुपात में मिलाया गया, बराबर मात्रा में मिलाया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो दोनों है इसको बराबर मात्रा में मिलाया गया है, 1 हो गया 2 हो गया। देखिए अभी जो ये 4 और 5 कितना आ रहा है, 9, 4 और 7 कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। 9 और 11 बराबर मात्रा नहीं है ना। मात्रा बराबर करने के लिए ऊपर हम 11 से और नीचे 9 से गुना कर दिए, अभी दोनों 99 99 हो जाएगा। 11 से करेंगे तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 9 से करेंगे तो 9 चौक 36, 9 सते 63, जोड़ दीजिए कितना आ गया, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 5 3 8, 6 5 11, 80:118, जिसको आप 40:59 भी बोल सकते हैं। 40:59 कौन सा उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगर बराबर मात्रा करने को दिया है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए अलग अलग आ रहे हैं तो गुना करके बराबर कर देंगे, बस काम खत्म, पैसा हजम। ये 10 भी हो गया, अभी देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि दो बार डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट देने के बाद मतलब छूट देने के बाद जो है एक वस्तु को 372 रुपये में बेचा जा रहा है, तो हमें बताना है कुल छूट कितनी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक छूट D1 है, दूसरा छूट D2 है, दोनों क्रमागत है, तब जो D इफेक्टिव बोलते हैं, ये दोनों को मिला के जो डिस्काउंट होगा, छूट होगा, वो होगा D1 जोड़ D2 घटा D1 D2 बटा 100। ये होता है आपका दो छूट को मिलाने के बाद जो बनता है। एक है 25%, एक है 28%। क्वेश्चन में दिया है एक 25 है, एक 28 है। देखिए कितना आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 25 और 28 मिलके कितना, 25 38 दिया है, माफ कीजिएगा, तो 25 और 38 मिलकर कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना, माइनस 25 गुना 38 बटा 100, 25 चौके 100, 2 दूना 4, ये 19 बार। तो 63 में से ये 9.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 9.5 ही होगा 19, तो ये आपका आ जाएगा 53.5। ठीक है ना, 53.5 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना प्रतिशत डिस्काउंट हो गया है तो जो कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, अगर 53.5% डिस्काउंट है दोस्त तो 46.5% ही देना पड़ेगा। बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि दोनों जोड़ के तो 100% होना चाहिए, और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया, 372। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से कितना गुना करेंगे, 4 8 32, 800 गुना करेंगे तो उतना आ जा रहा है। 1% का वैल्यू 8 हो गया है भाई, तो 53.5% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 5 40, 3 24 4 28, और 8 5 40 में 2 42, 428 रुपये आ रहा है, बस सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। 11 भी हो गया, 12 देखेंगे। 12 में क्या है, देखिए उम्मीद करते हैं जो चीजें हम बता रहे हैं आपको फॉर्मूला वगैरह ये समझ में आ रहा होगा, और ये फॉर्मूला याद रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप यूं ही हवा में उड़ा देंगे। ठीक, 12 नंबर में बोला है कि 2500 को इन्वेस्ट किया गया है 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट कुछ दिया हुआ है, फिर 3725 रुपये मिला है मैच्योरिटी में, तो हमें बताना है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर कितना था 8 साल के लिए निवेश किया गया है। तो 12 में 2500 का जो समान है, या 2500 दिया गया था और 3725 मिला है, कितना हो गया, 1225 रुपये क्या हो गया है आपका, यही दिख रहा है ना आपको, यही है आपका सिंपल इंटरेस्ट या चक्र साधारण ब्याज। तो 1225 साधारण ब्याज है, हमें पता है ये PRT/100 होता है, P का वैल्यू है 2500, रेट हमें पता नहीं, टाइम 8 साल और बट्टा का 100, 20 से 20 25 से 25 चौका 100, फिर 22, 25 नवा 225, आर का वैल्यू कितना आ गया, 49/8%, जिसको लिख सकते हैं अच्छा 48.625%। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। हो गया 12। 13 देखेंगे, 13 में है आपका कि 22 संख्याओं का एवरेज है 37.5, यहां नंबर लिखते हैं यहां हम एवरेज लिखते हैं, 22 संख्याओं का जो है औसत है आपका 37.5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें से पहला 12 का एवरेज दिया हुआ है, पहला 12, पहला जो 12 है इसका एवरेज कितना है, 40.6, और आखिरी 12 का एवरेज जो है 35.4 दिया है। यह है आपका 35.4। फिर बताना है कि 11वां और 12वां नंबर हटा दिया गया है तो नया नंबर बताना है। 11वां और 12वां नंबर को हटा दिया गया है तो बाकी का एवरेज क्या होगा, देखिए। अब चलिए चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। टोटल कितने हैं, 22 नंबर है, एक दो ऐसे कर करके 11 होगा, 12 होगा, फिर ऐसे करके 21 और 22 होगा। शुरू का 12 जब बोलेंगे तो 1 से 12 तक आ जाएगा, लास्ट का 12 बोलेंगे तो क्या आएगा, 11 से लेकर 22 तक आएगा। मतलब 11 और 12 जो है ना दोस्त, यह शुरू के 12 में भी आ रहा है, बोले क्या तो रहा है, लास्ट के 12 में भी आ रहा है, मतलब इसको हम दो बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे देखेंगे तो 12 और 12 मिलकर कितना आ गया, टोटल 24 नंबर आ गया ना, लेकिन है कितना, 22 ही नंबर, ठीक, आराम से समझे। तो एक होता है विचलन, डेविएशन जिसको बोलते हैं, टोटल डेविएशन हम निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। ये डेविएशन या विचलन क्यों आएगा, क्योंकि 11वां और 12वां नंबर को अब दो बार जोड़ रहे हैं, जोड़ना तो एक ही बार चाहिए था। अगर एक ही बार जोड़ते तो औसत में डेविएशन होता है 0। अगर आप एक से ज्यादा बार चीजों को ला रहे हैं, नया चीज ला रहे हैं, तो डेविएशन कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी, 0 से कम, इसलिए हम डेविएशन निकाल रहे हैं। यहां देखिए, पहले 12 का जो एवरेज है कितना ज्यादा है, इससे बोलेंगे कि 3.1 ज्यादा है, बोलेंगे ठीक है। और इसमें नंबर कितना है, 12, हर एक संख्या 3.1 ज्यादा है, टोटल 12 संख्याएं हैं तो 12 गुना 3.1 ज्यादा हो गया, बोलेंगे ठीक है। दूसरा का क्या हाल है, जो दूसरा वाला है कम है, कितना कम है आपको दिख रहा है कि ये तो 2.1 कम हो गया है ना, देखिए 35 2.1 कम हो गया, और इसमें भी 12 संख्याएं हैं, ये हो गया -12 गुना 2.1, ये कितना हो गया, देखिए टोटल का टोटल आ गया 12। ये डेविएशन 12 आने का मतलब आप समझ पाए, मतलब यही है कि 11वां और 12वां नंबर को एक बार फिर से लाने से ग्रुप में 12 एक्स्ट्रा जुड़ गया है। ध्यान दें, अगर ग्रुप में 12 एक्स्ट्रा जुड़ा है तो जब हम इसको लेकर जाएंगे बाहर तो 12 एक्स्ट्रा कम जाएगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए एवरेज 37.5 ही रहता अगर यह ज्यादा लेके नहीं जाता, लेकिन ये दोनों 12 ज्यादा लेके जा रहा है, बात समझ गए। अब ये 12 का नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, कितने लोगों को झेलना पड़ेगा, तो बोलेंगे कि ग्रुप में से 22 में से दो लोग चला गया, बचा कितना, 20 लोग, इन 20 लोगों को झेलना पड़ेगा। तो 37.5 में से ये कितना है, 0.6 माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 35.9, 36.9 ना, तो नया जो औसत आ गया है 36.9 आ गया है, देखते हैं कौन सा आंसर है। और सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये एवरेज है, डेविएशन का यूज करें आराम से होगा। अगर इसमें कोई समस्या आया है तो आप ग्रुप में जरूर बताइए, ग्रुप में नहीं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। आगे चलते हैं, अभी बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सेलिंग प्राइस जो है एक आर्टिकल का, या फिर विक्रय मूल्य जो है वह लागत मूल्य का 8/5 है। विक्रय मूल्य जो है वह लागत मूल्य का 8/5 है, मतलब विक्रय मूल्य और लागत मूल्य हो गया 8/5। 5 का सामान 8 में बेच रहे, 3 का फायदा होगा, परसेंटेज फायदा कितना हो गया, 3 का फायदा है, 5 पे गुना का 100 कर लेंगे तो 60% का फायदा हो रहा है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हो गया 14। 15 देखिए, क्या है कि 13 और 43 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उसका हमें क्या चाहिए, योग चाहिए। क्या क्या है, 14, 16 ऐसे कर करके 42 तक, ये सारी सम संख्याएं हैं, इसका हमें योग चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, आइए आराम से देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना कि जो हम सम निकालते हैं ये होता है आपका n/2 और ए प्लस एल, एल का मतलब आखिरी टर्म। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप ये सोचेंगे ना, तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये है आपका किसमें, समांतर श्रेणी में, अंतर क्या है, दो दो करके है। तो भैया आ गया n/2,
पहला हो गया 14 और आखिरी हो गया क्या 42। 14 और 42 कितना होता है 56, और 56 को 2 से करेंगे तो कितना 28 गुना एन। अभी बात है एन कैसे पता चले। देखिए अगर 1 से लेके 42 तक होता तो टोटल कितना इवेन, इवेन का मतलब होता सम संख्या होता, तो बोलेंगे कि कितना हो जाता 21, 21 हो जाता क्योंकि 2 4 6 कर करके पहला इवेन 2 है दूसरा 4 है तो 2 गुना 21 होता है 42 तो 21 हो जाता। और 1 से लेके 14 तक हटा देना है, 14 नहीं 13 तक हटा देना है, 1 से लेके 13 तक कितने हो गए 6। तो टोटल 21 था, 21 में से 6 गया बचा कितना 15, तो इनका वैल्यू कितना है 15, 28 गुना 15 करेंगे तो 15 अठे 20 से 30 और 12 42, 420 आ रहा है। सही उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 15 का क्या हो गया है डी। अभी देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ये आपका है 38 20 और 46 72 और इसके साथ है आपका 61 63, 61 63 इनको एक बड़ी संख्या एक से भागा दिया जाता है तो सब केस में जो है रिमाइंडर सेम होता है, मतलब कि शेषफल सेम होता है। तो हमें बताना है कि भागफल क्या होगा जब 1035 को हम एक से भाग देंगे। जब भी शेषफल सेम हो तो आप इसका क्या निकालिए, अंतर निकालिए। अंतर कितना आ रहा है देख लीजिए, यहाँ से तो 52 आ गया, ये आ जाएगा कितना 852। यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, एक आ गया और 16 में से 7 गया 9 आ गया, फिर 60 में से 46 गया 14 आ गया, ठीक है, फिर 1491 आ गया है। तो अभी फिर हम क्या करते हैं, इसी का जो अंतर निकाला है अपने इसका हम महत्तम निकाल लेते हैं। तो महत्तम कितना, जैसे देखिए ये 213 गुना 4 लिखा है, ये कितना लिखा है 213 गुना 7, इसका महत्तम आ गया 213, यही एक्स का वैल्यू हो गया। अभी क्या करना है 1035 को इसी 213 से भाग देंगे, दीजिए कितनी बार में चला जाएगा 1035 को 213 से भाग देंगे तो 4 बार आएगा ना, ये कितना आ जाएगा आपका 852 आ जाएगा। फिर ये क्या बच जाएगा देखिए, कुछ बच जाएगा शेषफल, तो भागफल तो 4 ही आया ना, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा 4 जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन में कुछ मतलब थोड़ा 1035 के जगह कुछ और देता है कि कटवट जाए, पता नहीं ऐसा क्यों दिया, कोई बात नहीं हम 17 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है आइए 17 देखते हैं। 17 नंबर में है कि आपका 100 मीटर लंबी ट्रेन है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो इसको एक इंसान को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो इंसान को पार करने में जो टाइम लगता है वो ट्रेन की लंबाई बता उसका स्पीड होता है। ट्रेन की लंबाई कितना है 100, स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुना करके इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, है ना, कितना आ जाएगा देखिए 76 18 एंड 6 से 20 बना 20 25 100, तो 3 सेकंड में काम हो जाएगा। सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। 17 हो गया, 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 18 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि मार्क प्राइस जो है या फिर अंकित मूल्य जो है वो कितना है 1800, अंकित मूल्य है 1800 और इसको बेचा गया है इतना में 1476 रुपये में, तो हमें बताना कितना प्रतिशत का छूट मिला है। देखिए 324 का छूट मिल गया तो प्रतिशत में छूट कितना हो जाएगा, 324 का मिला है 1800 पे गुना का 100, 18% तो दिख रहा है ये 18 बार में चला गया तो 18% का छूट मिल गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है 19 देखेंगे और 20, दो ही क्वेश्चन बचा हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका कि एक जो नाव है वो धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में, नाव की चाल धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा का 2.5 गुना है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों चाल जुड़ जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2.5 का मतलब होता है 5/2 गुना हो गया। फिर बताना है कि अगर नाव को 7 घंटा लगता है 30 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में जाना भी है और आना भी है, तो हमें बताना है कि उसका स्पीड क्या होगा कितना धारा की दिशा में। देखिए आप ऐसे समझे 7 किलोमीटर जा रहा है, अच्छा इसको ना आप के मान सकते हैं, तो धारा की दिशा में आ जाएगा 5 के और धारा के विपरीत दिशा में आ जाएगा 2 के। और ये क्वेश्चन में दिया है कि देखो 7 किलो, इसको 30 किलोमीटर जाना है, एक धारा के साथ भी जाएगा और धारा के विपरीत भी जाएगा,
और पूरा जो समय लगा है 7 घंटे का लगा है, एक इतनी बार में 6 हो जाएगा और एक इतना का 15, तो आप देख पा रहे हैं 21 बटा के का वैल्यू कितना है 7, तो के का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर के का वैल्यू 3 है और हमें चाहिए कि धारा की दिशा में जो है इसका, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में कितना था 5 के, 5 के का मतलब कितना हो गया 15, 15 सही आंसर है और ऑप्शन नंबर हो गया इसका बी। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 12, 18 और 6 इसका जो चतुर्थानुपाती है ए आपका के और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो 12 बटा 18 कितना हो जाएगा 6 बटा x, ये 2 बार में गया 9 बार में गया, x का वैल्यू 9 आ गया। अभी 9 जो है तृतीयानुपात में होना चाहिए, मतलब के बटा 6 का वैल्यू होना चाहिए 6 बटा x, x क्या है आपका 9, के का वैल्यू कितना आ गया 36 बटा 9, जिसको बोलेंगे 4, तो 4 आया, सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ जो है पहला मौका सोल्यूशन होता है समाप्त। कितना फायदा पहुंचाएगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नया पेपर के सोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।